वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स। एक ड्रेस की मैंने अनबॉक्सिंग कर ली हुई है, बाकी अभी दो ड्रेसेस हैं, तीन ड्रेसेस है ना, उनकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी है। तो अभी आपके सामने ही मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है अनबॉक्स करूंगी और सबकी क्वालिटी वगैरह कैसी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। बट एक जो प्रोडक्ट था ना वो मुझे कल रिसीव हुआ था, तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी जो तीन प्रोडक्ट है ना ये अभी लाइक मैंने इनको अनबॉक्स नहीं करा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ब्राउन कलर की ड्रेस थी ना ये लाइक मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसकी जो भी ओरिजिनल पिक्चर होगी वो मैं ऊपर साइड में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। और ये है वो प्रोडक्ट। और अभी आई थिंक कोई गाड़ी ना, दिन में लाइक वीडियो रिकॉर्ड करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कोई कहीं से जा रहा होता है और कभी कोई कहीं से जा रहा होता है, तो आवाज जो है ना पीछे से आती रहती है। फिलहाल अभी मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी। सो ये है वो ड्रेस, और ये ना वेबसाइट पे लाइक काफी अच्छी लग रही थी और इसका कलर मुझे काफी प्रिटी लग रहा था। सो एग्जैक्टली सेम टू सेम आई है जैसी वेबसाइट पे दिखाई गई थी। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी फुल स्लीव्स, और यहाँ पे लाइक कोई भी इलास्टिक नहीं है, यहाँ पे इस तरह आपको बटन मिल जाएगा। इसका कलर बहुत प्यारा है एंड यहाँ पे ऊपर जो है ना कॉलर है, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम है जैसी वेबसाइट पे दिखाई गई थी। एंड इसको ट्राई करके ना मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैंने इसको ट्राई कर लिया था, लाइक इसकी फिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड फ्रंट पे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से आप लाइक थोड़ा सा इसको टाइट करोगे ना तो बॉडी पे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो काफी अच्छी क्वालिटी है, रियॉन का इसका मटेरियल है। प्राइस इसकी क्या पड़ी थी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। सो एक चीज की प्रॉब्लम थी इसमें, ये जो इसमें बटन्स लगे हुए ना यहाँ पे आप देखना ऊपर से, सो यहाँ पे जो बटन्स लगे हुए ना लेकिन नीचे तक नहीं है, और यहाँ पे जो कट है ना वो काफी ज्यादा लंबा है, तो आपको नीचे आई थिंक बटन्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको नीचे कुछ ना कुछ वेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा जो नीचे से है ना वो दिखने वाला है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नीचे जो है बटन्स जो है अरेंज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहां तक बटन्स है, बाकी नीचे बटन्स है ही नहीं है। तो बस ये मुझे थोड़ी सी इस ड्रेस में गड़बड़ लगी। ओवरऑल ड्रेस की क्वालिटी एंड प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थी। सो आप लोग ये वाली जो ड्रेस है बाय कर सकते हो मीशो से। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट ड्रेस। सो ये जो नेक्स्ट ड्रेस थी ना ये फ्लोरल कलर में आई थिंक मैंने ऑर्डर करी थी, रेड कलर की ड्रेस है। आई डोंट नो कैसी रिसीव हुई है क्योंकि अभी मैंने इसको ओपन नहीं करा। एंड इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी ना 350 रुपीज पड़ी है, सॉरी 390 रुपीज पड़ी है विद टैक्स लाइक सारा कुछ डाल के। और एग्जैक्टली इसकी क्या प्राइस थी वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो अभी मैं पार्सल जो है इसको ओपन कर लेते हैं। और ये है वो ड्रेस, कलर तो इसका लाइक सेम है जैसा मैंने ऑर्डर करा था। एंड इस ड्रेस में ना काफी सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे। ये बहुत ही प्रीटी सी लाइक इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा था वेबसाइट पे। और अभी मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। सो काफी ज्यादा लाइट वेट है, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक जो ड्रेस है ना वो पूरी नेट की है। यहाँ पे ये दो इस तरह मतलब जैसा वेबसाइट पे था ना वैसा ही डिजाइन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है मैं बोलूंगी, बट बहुत ज्यादा लाइट वेट ड्रेस है। एंड यहाँ पे ओवरऑल ड्रेस पे ना आपको लाइक पूरी यहाँ पे नेट मिलेगी नीचे तक, और अंदर जो है इन्होंने लाइनिंग दे रखी है, आपको हाफ लाइनिंग मिल जाएगी एंड नीचे बाकी जो है पूरी नेट है। एंड वेयर करने के बाद बताऊंगी कि ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि अभी मैंने इसको ट्राई नहीं करा हुआ। एंड यहाँ पे जो इसका नेक है ना ये आपको वी नेक मिल जाएगा। पहनने के बाद ना वीडियो जो होगी मैं साइड में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। और जो मेरी हाइट है ना वो 5'4" है, तो आप लोग लेंथ वगैरह एंड फिटिंग वगैरह सारी चीजें जो है जज कर लेना। अगर आपको बाय करनी हो तो आप लोग बाय कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी जो है इसकी ओके है, लाइक बहुत ज्यादा मैं अच्छी भी नहीं बोलूंगी, अच्छी है। अगर आपको लाइक आपका बर्थडे आ रहा है, आपको कुछ इस तरह का चाहिए, तो आप लोग येस ये वाली ड्रेस जो है बाय कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी इसकी अच्छी है, मैं बहुत ज्यादा बेकार नहीं बोलूंगी। ठीक है, लिंक जो होंगे मैं सभी ड्रेसेस के आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट। सो ये जो नेक्स्ट ड्रेस थी ना ये मैंने ऑर्डर करी थी, आई थिंक इसका जो कलर था ना वो स्काई ब्लू था। अब आई डोंट नो क्या रिसीव हुआ है क्योंकि अभी मैंने इसको अनबॉक्स तो करा नहीं है। तो चलो मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ओके, तो अभी तक तो ये जो ड्रेस है ना लाइक सेम टू सेम ही लग रही है जैसी वेबसाइट पे थी। तो इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था मुझे, ये वाला कलर मैंने ऑर्डर करा था। एंड इस ड्रेस में भी कोई दूसरा कलर अवेलेबल नहीं था। और साइज जो मैंने अपने ड्रेसेस के ऑर्डर करे ना लार्ज साइज ऑर्डर करे, तो आप लोग देख लेना आपका जो भी साइज हो आप लोग बाय कर सकते हो। आई थिंक सारी ड्रेसेस में आपको स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल एंड लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज सब तो साइजेस मिल जाएंगे। और ये है वो ड्रेस। सो ये वाली जो ड्रेस है ना अभी तक इसका फैब्रिक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लाइक पूरा कॉटन का फैब्रिक है, काफी अच्छी क्वालिटी है इस ड्रेस की। और ये आपको बैक साइड से भी दिखा
दिखा देती हूँ मैं, इसकी लेंथ वगैरह जो होगी ना आई थिंक वो शॉर्ट ही आएगी, एंड नीचे आपको रफल का पूरा ओवरऑल ड्रेस में ना ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे फ्रंट पे जो है इस तरह से आपको दो स्ट्रैप्स मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे नॉट कर सकते हो, और इसके ऊपर अगर आप जैकेट वगैरह पहनोगे ना तो काफी अच्छी लगेगी, एंड बिना जैकेट के भी आई थिंक अच्छी लगेगी क्योंकि इसका कलर एंड क्वालिटी दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह आपको पूरा ये आई डोंट नो इसको कौन सी स्लीव्स बोलते हैं, सो आपको ये कुछ इस तरह की स्लीव्स मिल जाएंगे। ओवरऑल ड्रेस में आपको एकदम पास से भी दिखा देती हूँ, ऊपर ये व्हाइट कलर का प्रिंट हो रखा है, तो कॉटन की ड्रेस है एंड मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी। यहाँ पे नेक पे ना आपको जो है इलास्टिक नहीं है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना क्योंकि अभी मैं जैसे इसको ट्राई कर रही थी खींचने की तो इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ये ड्रेस भी अच्छी लगी। और यस, आप लोग ये वाली ड्रेस भी बाय कर सकते हो क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा प्रिटी है, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग ये वाली ड्रेस भी बाय कर सकते हो। पहनने के बाद कैसी लगेगी मैं यहाँ पे साइड में जो है वीडियोस अपलोड कर दूंगी। सो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करा था ना ये वाला पार्सल था, एंड ये कॉम्बो था, और ये ना कुर्ता सेट है, लाइक ड्रेस नहीं है, तो मैंने सोचा एक ही कुर्ता सेट मैंने ऑर्डर करा तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देती क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, तो बहुत जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो लाइट लाइट से कुर्ता पहनने का मन करता है, एंड इवन जब मैं अपनी शॉप पर जाती हूँ ना तो वहां पर भी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कुर्ता ही वेयर करूँ, और क्योंकि ड्रेसेस में तो गर्मी लगती है और टॉप वगैरह भी अगर आप पहनते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है, बट ये ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए काफी अच्छा लगने वाला है। तो इसमें मेरे थे दो कुर्ता सेट्स, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, आप लोग देख लेना आपको कौन सा कलर बाय करना है। सो मेरे को ये प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लाइक अलग अलग प्रिंट आपको मिल जाएंगे बट मुझे ये वाला प्रिंट काफी अच्छा लग रहा था, एंड इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थी, लाइक 500 में आपको दो कुर्ता सेट मिल रहे हैं, तो येस आप लोग बिल्कुल ये वाले कुर्ता सेट भी बाय कर सकते हो। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो मुझे ये वाला ज्यादा प्रिटी लग रहा है, तो हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। एंड ये किसी ब्रांड का भी था, आई डोंट नो इनकी वेबसाइट भी है कुछ, और मुझे काफी अच्छा लग रहा था ये वाला प्रिंट ना। तो सबसे पहले मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ इसकी। सो ये है इसकी शर्ट, और इसमें ना छोटे छोटे से लाइक रेड कलर के ना फूल बने हुए हैं, एंड इसके कलर की अगर बात करूँ ना लाइक ये ऑफ वाइट कलर भी नहीं है, लाइक थोड़ा सा हल्का सा लेमन शेड होती है ना, बहुत लाइट सी लेमन शेड होती है ना, वैसा वाला कलर है। स्लीव्स आपको मिल जाएंगे इस तरह के, लाइक पूरा जो कुर्ता है ना एकदम प्लेन है, वेयर करके आपको दिखा दूंगी क्योंकि ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए आई थिंक ऐसे वाले कुर्ता सेट्स अच्छे लगते हैं, आप छोटी मोटी लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह पहनो तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था इसका बॉटम, और प्लेन रेड कलर का बॉटम था जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ये काफी अच्छा लगा। सो यस, आप लोग ये वाला कुर्ता सेट भी जो है बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो नेक्स्ट प्रिंट मैंने ऑर्डर करा था वो कुछ इस तरह का था, और इसका प्रिंट भी मुझे काफी बढ़िया लग रहा था वहां पे, तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। सो इसका कलर देखो आप, ये आई थिंक लाइट ब्लू कलर का है, इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, मतलब वेबसाइट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे ओरिजिनल में अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो यस आप लोग अभी से ही ले लो क्योंकि बहुत प्रिटी है। एंड साइज मैंने अपने लिए लार्ज ऑर्डर करा था इसका, मैं एकदम पास से भी आपको कुर्ता दिखा देती हूँ, आप लोग कुर्ता देखो, और ये है इसकी स्लीव्स, मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक 3-4 साइज की स्लीव्स इसकी मिलेंगी, एंड 500 में आपको दो कुर्ता सेट मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको, तो आप लोग ये वाला कुर्ता सेट भी जो है बाय कर सकते हो मीशो से। लेंथ वगैरह आप लोग देख लेना जब मैं वेयर करूंगी, मेरी हाइट 5'4" है क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ना लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग हाइट नहीं बताते हो, तो अब मैं हर वीडियो में ना अपनी हाइट जरूर बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था बॉटम, सो ये एक स्ट्रेट पैंट है प्लाजो टाइप की जैसी होती है ना, और कपड़े की क्वालिटी लाइक बहुत ज्यादा अच्छी है, आई थिंक ये रेयन का मटेरियल है, बहुत ज्यादा प्रिटी क्वालिटी है। सो दोनों कुर्ता सेट के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी। सो ये था मेरा छोटा सा हॉल, हमेशा से मैं छोटा ही हॉल लेके आती हूँ क्योंकि जितनी हमारी औकात है हम उसी हिसाब से जो है प्रोडक्ट लाइक मंगवाती हूँ मैं, और जो मुझे चीज अच्छी लगती है मैं रखती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं रिटर्न में डाल देती हूँ। अभी मैं इनको सबको वेयर करके देखूंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो सो प्लीज यार लाइक कर दो क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एकदम ऑनेस्ट वाला रिव्यू मिलेगा, नो लाइक फेक रिव्यू। तो जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, सो प्लीज जाके बाय कर लो अगर आपको लेने हैं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू, एंड प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि काफी मेहनत लगती है और मैं एक हाउसवाइफ हूं तो मुझे सारा काम करके ना फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो शॉर्ट्स अलग से डालनी पड़ती है और लॉन्ग वीडियो अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सो इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो चलो बाय बाय और लव यू।